हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सपोर्ट्स के टाइप स्टडी करेंगे, इट मींस द टाइप्स ऑफ सपोर्ट, और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हर एक यूनिट में आने वाला टॉपिक है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ये सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ अदर टॉपिक स्टडी किए थे, तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट स्टडी करना है। तो देखिए, जो सपोर्ट्स हमें स्टडी करना है आज, वो आपके सामने है। इतने टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला है सिंपल सपोर्ट, देन है रोलर सपोर्ट, देन है हिंज सपोर्ट, और लास्ट में है फिक्स सपोर्ट। जो भी हम प्रॉब्लम्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम के हो, चाहे वो ट्रस के हो, चाहे वो फ्रिक्शन के हो, या चाहे वो काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल के हो, या नंबर ऑफ टॉपिक्स जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स में आते हैं, उनमें इन प्रकार के सपोर्ट जो है वो जनरली आते रहते हैं। तो ये सपोर्ट्स की आपको जानकारी होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमेशा आपको FBD ड्रॉ करना होता है। FBD माने फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये FBD कैसे ड्रॉ होता है और FBD ड्रॉ करने के क्या रूल्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसका हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको FBD का कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो हमें FBD ड्रॉ करना होता है, तो FBD ड्रॉ करते समय जनरली इस टाइप के सपोर्ट्स को जो है वो रिमूव करना होता है। तो जब ये सपोर्ट्स को रिमूव करते हैं, तो सपोर्ट्स के जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। तो वो सपोर्ट रिएक्शन कैसे शो करते हैं वो देखिए, वो हम यहां बता रहे हैं। सबसे पहले ये जो सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट को ये हमने ऐसा शो किया है जो कि दो कॉलम के ऊपर जो है एक बीम AB यहां पर रखा है। तो ये जो दो कॉलम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे वो है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट का कोई एक फिक्स सिंबल नहीं है, सिंपल सपोर्ट को आप कैसे भी शो कर सकते हैं। सिंपल सपोर्ट्स के एग्जांपल्स बहुत कम आते हैं। देन सेकंड है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का सिंबल ये होता है, देखिए यहां पे सिंबल आपके सामने, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पे नीचे रोलर्स लगे हैं, तो समझ जाना है कि वो रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का एग्जांपल्स आप नंबर ऑफ जगह पे देख सकते हैं, जैसा जो ट्रॉली बैग होता है, इट मीन जो ट्रैवलिंग बैग होता है, उसमें नीचे रोलर्स लगे हैं, तो बाय यूजिंग दैट रोलर्स आप ट्रैवलिंग बैग को इजीली कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। तो वो बैग को जो सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज अ रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से मूव करा सकते हैं। देन आफ्टर हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का सिंबल ये है। हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट के सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है और सिमिलरिटी क्या है, देखिए इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, ये एक सिमिलरिटी है, और डिफरेंस ये है कि इसमें रोलर है जबकि इसमें रोलर नहीं है। तो यही एक सिंबल है। हिंज सपोर्ट के एग्जांपल्स भी आप नंबर ऑफ जगह पे है जो देख सकते हैं। जैसे तो जो घर में जो दरवाजे होते हैं या जो खिड़की होती है, जब भी आप खिड़की शुरू करते हैं या बंद करते हैं, या दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, तो ऐसे में दरवाजे के कॉर्नर्स पे जो वर्टिकली जो सपोर्ट लगा है वो है हिंज सपोर्ट। वो हिंज सपोर्ट का यूज करके ही आप उसको आसानी से खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। उसी तरह से कोई भी बुक, कोई भी आप टेक्स्ट बुक लो या नोटबुक लो, जब भी आप बुक को ऐसे शुरू या बंद करते हैं, तो जो सपोर्ट उसको जो मिलता है शुरू या बंद करने के लिए, वो है दैट इज अ हिंज सपोर्ट। उसी के साथ साथ कोई भी बॉक्स ले लो, कोई भी बॉक्स को जब आप ऐसे ओपन क्लोज करते हैं, तो वहां पे भी उसको हिंज सपोर्ट मिलता है। जो बॉडी है, जो बॉडी को भी आपने हिंज किया है, वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता, वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, बस वो जहां पे हिंज है बस वो वही का वही मूव करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, बस यही एक उसका उद्देश्य है हिंज सपोर्ट का। देन आफ्टर आता है फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में जो बॉडी को सपोर्ट मिलता है वो हमेशा फिक्स होता है। फिक्स होता है इसका अर्थ ये है, जैसा देखिए यहां पे हम एक यहां पे उसका डायग्राम ड्रॉ किए हैं, यहां पे एक बीम है, ये जो बीम है ये वॉल के अंदर फिक्स किया है। तो अगर वो बीम वो वॉल के अंदर फिक्स किया है, इसका मतलब ये बीम ना हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेंगी, ना वो वर्टिकली ट्रेवल करेंगी, और ना ही वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगी, इट मींस उसका मूवमेंट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तो फिक्स सपोर्ट में ऐसा होता है। तो जब कभी भी इस प्रकार के सपोर्ट्स होते हैं, देखिए ये जितने भी टाइप के सपोर्ट्स हैं, तो FBD ड्रॉ करते समय, FBD माने फ्री बॉडी डायग्राम, ये FBD ड्रॉ करते समय इन टाइप के सपोर्ट्स को हमेशा रिमूव करना होता है। FBD माने फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें सपोर्ट्स को रिमूव करके सपोर्ट्स के जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो सपोर्ट के जगह सपोर्ट रिएक्शन यहां पे कितनी आती है और वो कैसे शो करेंगे, देखिए जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर आपके सामने अगर सिंपल सपोर्ट आ गया, तो सपोर्ट को रिमूव करना है जैसा हमने बता दिए। तो ये अगर आप सिंपल सपोर्ट को रिमूव करेंगे, तो सिंपल सपोर्ट को रिमूव करके आप सपोर्ट की जगह एक सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे, वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट इज सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये देखिए ए साइड में यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट को हम रिमूव करेंगे। तो सपोर्ट को रिमूव करने के बाद इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ ए पॉइंट पे
ये हमने सपोर्ट रिएक्शन शो किए, ये है वो सपोर्ट रिएक्शन आर ए और ये सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ सपोर्ट होना। तो ये देखिए, ये हमने सिंपल सपोर्ट को रिमूव करके एक सिंगल रिएक्शन शो करे। सिंपल सपोर्ट में हमेशा एक ही सिंगल रिएक्शन शो करना होता है। नेक्स्ट है रोलर सपोर्ट। जब कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके सामने रोलर सपोर्ट आएगा तो एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको रोलर सपोर्ट को भी रिमूव करना है। तो रोलर सपोर्ट को रिमूव करते ही आप हमेशा रोलर सपोर्ट की जगह एक सिंगल रिएक्शन शो करेंगे। तो देखिए, रोलर सपोर्ट को हम वहां रिमूव करके उसका यहां पे एक एफबीडी बना के बता रहे हैं। ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये है एफबीडी। ये देखिए, ए पॉइंट पे रोलर सपोर्ट था तो ये हम शो करेंगे, दैट इज रोलर सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन आर ए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ही होना चाहिए, ये एफबीडी का रूल है। एफबीडी का एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना के देंगे, उसमें हम एफबीडी के डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स का हम एफबीडी बना के बताएंगे, उसमें आपका एफबीडी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फिलहाल हमने ये रोलर सपोर्ट का एफबीडी बना दिए। अब है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में भी जब हिंज सपोर्ट आपके सामने आए तो हिंज सपोर्ट को रिमूव करना होता है व्हाइल ड्राइंग द एफबीडी। तो हिंज सपोर्ट को रिमूव करते समय आपको दो रिएक्शन शो करना होता है। तो देखिए, हिंज सपोर्ट को अगर आप रिमूव करेंगे तो आप हिंज सपोर्ट की जगह दो रिएक्शन शो करेंगे। दोनों रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना कंपलसरी है। एक रिएक्शन हमने शो किए हॉरिजॉन्टल और एक रिएक्शन शो करें वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को रिएक्शन को कहेंगे आर ए एच और वर्टिकल रिएक्शन को कहेंगे आर ए भी। अब यहां पे हमने आर ए एच आर ए भी लिखा है, इसका क्या अर्थ है? आर ए एच माने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए और आर ए भी माने वर्टिकल रिएक्शन एट ए। आपको ऐसा ही लिखना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप आर ए एच की जगह यहां पे आर एच लिखेंगे तो भी चलेगा और आर ए भी की जगह आर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आर एच माने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, आर भी माने वर्टिकल रिएक्शन, लिखो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको हिंज सपोर्ट के हमेशा दो रिएक्शन शो करना है और ये दोनों रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए और ये दोनों रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होना ये भी जरूरी नहीं है। जैसा यहां पे हमने दोनों का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द पॉइंट ए हमने ऐसा शो किया है। अगर हमने आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ए शो किया तो भी चलेगा या एक इनवर्ड एक आउटवर्ड शो किया तो भी चलेगा। अब ये डायरेक्शन कैसे तय करना वो आपको बॉडी को समझ में आएगा जब आप इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब भी आप कोई इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेट करने के लिए आपको सपोर्ट रिएक्शन का ये जो डायरेक्शन है वो आपको कभी भी चेंज करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में सेट करने के लिए आप इनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ही रहेगा। लेकिन हिंज सपोर्ट का डायरेक्शन जो है, हिंज सपोर्ट के रिएक्शंस का डायरेक्शन आप एनी टाइम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये हो गया तीन सपोर्ट्स की जानकारी और अब है लास्ट, दैट इज फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में जैसा हमने बताया थे बॉडी को सपोर्ट के अंदर फिक्स किया जाता है। तो ऐसे में जब आप इसका एफबीडी बनाते हैं तो एफबीडी बनाते समय आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी शो करना है, वर्टिकल रिएक्शन भी शो करना है और एक कपल भी शो करना है। जैसा अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे। ये हमने बीम, वो जो बीम है वो हमने यहां ले लिए, सपोर्ट जो है वो यहां पे मिल रहा है। तो हम यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स इट मींस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो करेंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को आर एच कहेंगे चलेगा, वर्टिकल रिएक्शन को आर भी कहेंगे वो चलेगा। और यहां पे हम एक कपल भी शो करेंगे, कपल कहो या मोमेंट कहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिक्स सपोर्ट का जब भी आप एफबीडी बनाते हैं तो एफबीडी में आपको इस प्रकार के फोर्सेस और एक कपल जो है आपको शो करना है। तो इतने प्रकार के सपोर्ट जो है वो होते हैं, ये सपोर्ट्स की आपको जानकारी होना चाहिए। तो जैसा हमने कहा था, ये जो सपोर्ट्स है ये सपोर्ट्स आपको इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स या ट्रसेस के प्रॉब्लम्स या फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स या काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स के नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स में ये सपोर्ट्स का यूज होता है। और जनरली आपको क्या करना होता है, सपोर्ट्स को रिमूव करना होता है व्हाइल ड्रॉइंग द एफबीडी। एफबीडी ड्रॉ करते समय सपोर्ट्स को रिमूव करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एफबीडी के बारे में बताएंगे। आपका एफबीडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इक्विलिब्रियम इजीली स्टडी कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम स्टडी होने के बाद आप आसानी से अदर टॉपिक्स जैसे ट्रस हो गया, फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल हो गया, ये नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और ये जितने भी सपोर्ट्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ये जो भी सपोर्ट्स है ये एफबीडी ड्रॉ करते समय सिर्फ आपको उसको रिमूव करना है और रिमूव करके सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन आपको शो करना है। तो ध्यान में रखो, सिंपल सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो सिंगल रिएक्शन, रोलर सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो भी सिंगल रिएक्शन, हिंज सपोर्ट को शो आप रिमूव करेंगे तो आपको दो रिएक्शन शो करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और फिक्स सपोर्ट की जगह आपको दो रिएक्शन और एक कपल ऐसा आपको शो करना है। तो फाइनली ये था सपोर्ट्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में।
तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले जो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक स्टडी किए थे, वो सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।